नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना चुनौती। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का ओएमआर सीट जारी। पटरियों पर पानी जमने से बिहार से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द। 17 जुलाई को बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला। एमएस धोनी ने चोटिल घुटने के हाल को लेकर इस अंदाज में अपने फैन को दिया जवाब। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है विश्व जनसंख्या दिवस। बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना चुनौती। आज यानी कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस है, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। मालूम हो कि वर्ष 1989 में विश्व की जनसंख्या लगभग 5 अरब बताई गई थी, जिसके बाद बढ़ती जनसंख्या से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत भी दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जिसने 1.4 बिलियन से अधिक लोगों के साथ चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। मालूम हो कि इस बार विश्व जनसंख्या दिवस का थीम लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, हमारी दुनिया की अनंत संभावनाओं को अनलॉक करने के लिए महिलाओं और लड़कियों की आवाज को ऊपर उठाना है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2036 में देश की आबादी 152.2 करोड़ हो जाएगी, जिसमें बिहार की हिस्सेदारी 14.5% होगी, यानी कि देश का हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। 2036 तक बिहार की आबादी 30% बढ़ जाएगी और तब बिहार का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 9,583 से सिमटकर 6,969 हो जाएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का ओएमआर सीट जारी। एक तरफ जहां बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से बिहार शिक्षक बहाली को लेकर आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 12 जुलाई से 15 जुलाई 2023 तक कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर इस परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से ओएमआर सीट जारी कर दिया गया है, जिससे कि अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बता दें कि आयोग की ओर से ओएमआर सीट इसलिए जारी किया गया है ताकि परीक्षा में अभ्यर्थी को सीट को भरने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि सीट में आयोग की ओर से नेगेटिव मार्किंग के लिए 5 विकल्प दिए गए हैं। अभ्यर्थी इस ओएमआर सीट को डाउनलोड करने के लिए बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में अब मसाले और दालों की कीमत में लगी आग। बिहार में अब सब्जियों के साथ साथ मसाले और दालों की कीमत में भी बढ़ोतरी होने लगी है, जिसका असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। बता दें कि पिछले एक माह में जीरा के दाम में 300 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है, जिससे कि अब जीरा का दाम 800 रुपए प्रति किलो हो चुका है। वहीं लहसुन की कीमत में 60 रुपए प्रति किलो तक की तेजी आते हुए अब लहसुन की कीमत 140 रुपए प्रति किलो हो गई है। इसके अलावा काली मिर्च और मिर्च में भी 50 रुपए प्रति किलो का इजाफा हुआ है, जबकि हल्दी की कीमत में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि वर्तमान में काली मिर्च 700 रुपए, हल्दी 140 रुपए और मिर्च 300 रुपए तक पहुँच गई है। इसके अलावा अगर हम दाल की कीमत की बात करें तो अरहर दाल की कीमत में 30 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिससे अब इसकी कीमत 150 रुपए प्रति किलो हो गई है। हालांकि उड़द, मूंग, चना और मसूर के दालों में पिछले 3 माह में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। बिहार में नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन शुरू। आज यानी कि 11 जुलाई को राज्य भर के विभिन्न जिलों से आए शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अपनी मांग को लेकर बिहार की राजधानी पटना में धरना स्थल पर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा। बता दें कि शिक्षकों का जुटान पटना में बीते दिन से ही होना शुरू हो गया था, ऐसे में आज की स्थिति को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। बता दें कि आज शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार के खिलाफ विधानसभा मार्च किया जा रहा। वहीं खबर लिखे जाने तक प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। मालूम हो कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों की यह मांग है कि उन्हें बिना किसी शर्त के राज्यकर्मी का दर्जा मिले और साथ ही डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाए। पटरियों पर पानी जमने से बिहार से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द। उत्तर भारत में हो रही बारिश से रेल की पटरियों पर पानी जम गई है, जिस वजह से बिहार से चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि हाजीपुर के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है उनमें गया से गुजरने वाली गंगा सतलज एक्सप्रेस, जम्मू तवी कोलकाता एक्सप्रेस, जम्मू तवी हावड़ा हिमगिरी एक्सप्रेस, अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस, अमृतसर हावड़ा एक्सप्रेस, सियालदह जम्मू तवी एक्सप्रेस और कालका हावड़ा एक्सप्रेस के नाम शामिल है। इसके अलावा सहरसा से गुजरने वाली जनसाधारण सहित बनमनखी एक्सप्रेस और अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस शामिल है। इसके साथ ही समस्तीपुर मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेनों को भी रद्द किया गया है, जिसमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनस, अमृतसर बनमनखी जनसेवा एक्सप्रेस, सरयू यमुना एक्सप्रेस, जयनगर अमृतसर शहीद एक्सप्रेस, कामाख्या कटरा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल हैं।
विधानसभा में उठा वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा। आज बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान के द्वारा वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा उठाया गया, जिसके सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा यह माना गया कि राज्य के वित्त रहित शिक्षकों का अनुदान भुगतान बाकी है। इसे जल्द से जल्द करने के लिए और अनुदान की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए जल्द ही मामले के निपटारे किए जाएंगे। इसके साथ ही अख्तरुल ईमान के द्वारा कहा गया कि सरकार की ओर से पिछले 6 सालों से अनुदान की राशि विश्वविद्यालयों को जारी नहीं की गई है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका भुगतान किया जाएगा, लेकिन अनुदान कब आवंटन होगा इसकी कोई तारीख नहीं बताई जा रही। 17 जुलाई को बिहार के इस जिले में लगेगा रोजगार मेला। अगर आप भी बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार के नालंदा के बिहार शरीफ प्रखंड परिसर स्थित जिला नियोजनालय भवन में जिला नियोजनालय नालंदा श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा 1500 पदों पर नियुक्ति के लिए 17 जुलाई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस बात की जानकारी जिला नियोजन पदाधिकारी अंकित राज के द्वारा दी गई है। बता दें कि इस रोजगार मेला में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को NCS पर निबंधन कराना आवश्यक है, जिसकी सुविधा अभ्यर्थियों को जिला नियोजनालय नालंदा अथवा जिला नियोजन मेला स्थल पर मिल सकता है। और इसके साथ ही अभ्यर्थी खुद भी अपना निबंधन www.ncs.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। बता दें कि इस मेले में 8वीं कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा BTEC MBA PhD पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। नई चमचमाते पिकअप से शराब की बड़ी खेप बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, इससे तो हम सभी वाकिफ है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन हमें शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग स्थित अनिशाबाद गोलंबर के पास की है, जहां गुप्त सूचना के आधार पर गर्दनीबाग पुलिस के द्वारा एक नई चमचमाती पिकअप गाड़ी से उड़ीसा निर्मित 80 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किए गए, जिसकी बाजार में कीमत 9.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस के द्वारा पिकअप चालक को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया गया है। वहीं पूछताछ करने के बाद यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि शराब को झारखंड से समस्तीपुर डिलीवरी देने जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस इस मामले को लेकर की जाने वाली पूछताछ में जारी है। बिहार के 4 जिलों के पैक्सों में 1.66 करोड़ रुपए का गबन। बिहार के 4 जिलों के पैक्सों में 1.66 करोड़ रुपए का गबन का मामला सामने आया है, जिसमें भागलपुर, पूर्वी चंपारण, कटिहार व पूर्णिया जिला शामिल है। वह इस मामले के सामने आने के बाद बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से आरोपियों के खिलाफ 15 दिनों के अंदर अधिभार गठित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव की ओर से जिला अंकेक्षण पदाधिकारियों को प्रतिमाह कम से कम 10 पैक्स का निरीक्षण करने का आदेश भी दिया गया। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव के द्वारा पूरे राज्य भर से 11,459.85 लाख रुपए का DC विपत्र नहीं जमा होने के कारण प्रत्येक माह DC में प्रगति करने का निर्देश दिया गया। ऐसे में अगर अपर मुख्य सचिव के द्वारा दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया जाता है तो कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि राज्य में 32,035.65 लाख रुपए का अभी तक उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा नहीं किया गया है। BPSC 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेमो रजिस्ट्रेशन शुरू। अगर आप भी BPSC 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में भाग लेने के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की शुरुआत 15 जुलाई से होने वाली है, जो कि 5 अगस्त तक चलेगी। वहीं आज यानी कि 11 जुलाई से बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से BPSC 69वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए डेमो रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 13 जुलाई तक भरी जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी डेमो रजिस्ट्रेशन को आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं होती। यह आयोग की ओर से बस इसलिए जारी किया गया है ताकि अभ्यर्थियों को फाइनल आवेदन करने के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। मालूम हो कि यह फॉर्म न तो सेव होगा और न ही यहाँ अपलोड दस्तावेज सेव होंगे। बिहार में जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि बढ़ी। बिहार के 13 जिलों में चल रही 20,000 एकड़ को पूर्ण रूप से जैविक कॉरिडोर बनाने की योजना की अवधि तिथि को बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अब यह तिथि बढ़ाकर 2022-23 से 2025 तक कर दी गई है। बता दें कि इस योजना के तहत खेती करने वाले किसानों को प्रथम वर्ष 11,500 रुपए प्रति एकड़ अनुदान के रूप में दिए जाते हैं, जिसके बाद यह अनुदान राशि दूसरे और तीसरे वर्ष में 65-65 रुपए कर दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार के जिन 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं उनमें बिहार की राजधानी पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार व नालंदा जिला शामिल है। मालूम हो कि इन स्थानों पर बनाए गए जैविक कॉरिडोर की मॉनिटरिंग बिहार राज्य जैविक मिशन के द्वारा की जा रही है। वहीं जैविक खेती को क्लस्टर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके तहत कृषि पारिस्थितिक प्रणाली प्रबंधन द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य व गुणवत्ता का संरक्षण, हानिकारक पदार्थों से दोष मुक्त रखा जाएगा और साथ ही किसानों को आधारभूत संरचनाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी।
बिहार की राजधानी में लालू यादव इस खास वजह से देने वाले हैं भोज। 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजधानी पटना में एक भोज का आयोजन करने वाले हैं। बता दें कि लालू यादव इस भोज का आयोजन अपने बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी के जन्म लेने की खुशी में करने वाले हैं, जिसमें आरजेडी के सभी विधायक और विधान पार्षदों के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के शीर्ष नेताओं समेत महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अब तक भोज की तारीख को लेकर कोई खुलासा नहीं किया गया है, पर बहुत जल्द ही तारीख को लेकर भी सभी बातें सामने आ जाएंगी। विपक्षी दलों की दूसरी बैठक होगी बेंगलुरु के इस 5-स्टार होटल में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी कोशिश के बाद बीते 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की पहली बैठक आयोजित की गई थी, जो कि सफलतापूर्वक खत्म हुई। वहीं अब 17 और 18 जुलाई को सर्वसम्मति से विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में होने वाली है। ऐसे में हम आपको बता दें कि बेंगलुरु में यह बैठक 5-सितारा होटल वेस्ट इंड में होगी। बता दें कि 2 दिन की इस बैठक में पहले दिन यही डिनर भी होगा और फिर दूसरे दिन बैठक होगी। मालूम हो कि इस बैठक में गैर भाजपा दलों के 18 से 19 पार्टियों के शीर्ष नेता शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। वहीं इस बैठक में बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद अध्यक्ष लालू यादव, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री संजय कुमार झा भी शामिल होंगे। तेजस्वी से इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा। आज यानी कि 11 जुलाई को बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर दायर किए गए चार्जशीट पर उनसे इस्तीफे की मांग करते हुए विपक्ष के द्वारा विधानसभा में जमकर हंगामा किया गया। इस दौरान विपक्षी सदस्यों के द्वारा रिपोर्टिंग टेबल पर कुर्सियां उठाकर पटकी, जिसको देखते हुए सदन की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया था। इसके साथ ही आज विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही विपक्ष के द्वारा नीतीश कुमार पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह तेजस्वी यादव को बचाने का काम कर रहे हैं। MS धोनी ने चोटिल घुटने के हाल को लेकर इस अंदाज में अपनी फैन को दिया जवाब। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ अपने धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम के प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म LGM का ट्रेलर और पोस्टर लॉन्च करने के लिए चेन्नई पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट पर उन्हें उनके प्रशंसकों ने घेर लिया और उनका भव्य तरीके से फूल बरसाते हुए और उनके नाम के नारे लगाते हुए स्वागत किया गया। वहीं अब इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उनके फैंस में से एक फैन के द्वारा उनके चोटिल घुटने का हाल पूछा गया, जिसके जवाब में धोनी अपना हाथ हिलाकर इशारा करते हैं कि उनका घुटना अब ठीक है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि IPL 2023 के खत्म होने के बाद धोनी ने अपने चोटिल घुटने की सर्जरी कराई थी। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, नुन्नू गोलू कुमार, सदुल्लाह पलवी, कुमारी संजना, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, रोशनी खातून, बद्री कुमार, कन्हैया कुमार, सुरेश ओरम, जितेंद्र ठाकुर, चंदन कुमार, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, रवि कुमार राम, विनीत चौहान। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार राज्य की बढ़ती आबादी को नियंत्रित करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।